विश्व की अद्वितीय दिगंबर जैन धर्म की धरोहर जमीन से करीब 700 मीटर पहाड़ी पर 57 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा का अलौकिक भव्य महामस्तकाभिषेक 17 से 25 फरवरी 2018 में होने जा रहा है। यह समारोह हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस बार महामस्तकाभिषेक का यह 86वां समारोह है। 21वीं शताब्दी का द्वितीय महामस्तकाभिषेक के सभी समारोह का सीधा प्रसारण आज से ही सिर्फ और सिर्फ आपके अपने टीवी चैनल भारत बाहुबली पर। इतना ही नहीं, आपका चैनल इस बार भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक का हर दिन हर पल 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 के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता रहेगा। देखना ना भूलें रोजाना अपना पसंदीदा टीवी चैनल भारत बाहुबली। महामस्तकाभिषेक के लिए लगातार किए जा रहे कलश आरक्षित। 5100 रुपए के लिए मंगल कलश, 11000 रुपए के शुभ मंगल कलश और 35000 रुपए के कांस कलश और इसके साथ समिति की तरफ से दी जा रही आवासीय सुविधा। अगर आपने अभी तक कलश आरक्षित नहीं कराया है तो जल्द ही कराएं। कुछ सीमित कलश इस प्रकार हैं: नवरत्न कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000 रुपए, स्वर्ण कलश 2,25,000 रुपए, दिव्य कलश 1,11,111 रुपए, रत्न कलश 75,000 रुपए, ताम्र कलश 55,000 रुपए। यही कुछ कलश बचे हैं। जल्द ही कलश को अपने लिए आरक्षित करें। कलश बुकिंग कराने वालों के लिए रहने व खाने की समिति उचित व्यवस्था कर रही है। जल्द करें कलश आरक्षित, कहीं आप रह न जाएं इस पुण्य के काम से वंचित। नमस्कार, धार्मिक बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। आइए शुरू करते हैं आज की धार्मिक खबर। श्री 1008 चंद्र प्रभु एवं पार्श्वनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर श्री सम्मति सेवा संघ गौतमपुरा द्वारा 108 दीपकों की महाआरती का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 13 दिसंबर की शाम 6:30 बजे आयोजित होगी।
त्रैलोक तीर्थ जाना है, प्रभु का दर्शन पाना है के तर्ज पर नववर्ष के मंगल आगमन पर एलाचार श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में नौ प्रभात महोत्सव का विराट आयोजन 1 जनवरी 2018 को प्रातः 7:30 बजे आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम अतिशय क्षेत्र बड़ा खेड़ का जिला बागपत उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। नमः सिद्धेय नमः। ॐ नमः सिद्धेयः। ॐ नमः सिद्धेयः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अनंत अनंत सत्प्रभु श्री भगवान की। बेशक से अभी खाना नहीं मिला, लेकिन नाश्ता करके सभी लोग आए, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्या भूषण सम्मति सागर जी महाराज की। धर्म से नहीं भाग रहा माहौली का चयन हुआ। छब्बीस सौ वर्ष बीत गए, 2500 लगभग 35 वर्ष बीत गए महावीर को हमारे से जुदा हुए, लेकिन इतने वर्षों के बाद आज महावीर की याद हम सभी के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। और इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें, हम बेशक से महावीर के बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे, कहीं ना कहीं कमी है, आलस्य है, प्रमाद है, कहीं भूल है अपनी, लेकिन एक बात जरूर है कि महावीर की जो याद हम लोगों के दिल में जिंदा है वो एक ना एक दिन हमें महावीर के रास्ते पर चलने पे मजबूर कर देगी। उस याद को मिटने मत देना या मीठी मीठी गोलियां खिला के हम यहाँ से विदा हो जाएं, या सत्य का सामना करने के लिए तैयार हो। रेल डिपार्टमेंट में ही और उसके बाद धीरे धीरे सारी गाड़ियों का मुख उनके जन्म स्थान की ओर हो गया, या क्या एक रेल मंत्री का रेल मंत्री होने के नाते यही कर्तव्य है? बोलिए, आप सभी से पूछना। अभी सारा देश जल रहा है भ्रष्टाचार का, जो हमने नाटक अभी अन्ना हजारे के समय में 8 दिन तक देखा, क्या आप सब उसी नाटक का एक अंग नहीं हो, उसी का एक हिस्सा नहीं हो? आज बड़ी बड़ी बातें करते हम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने अंदर झांका कि मैं भी उसी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा हूं? यदि मैं अपने आप को सुधार लूं, यदि मैं अपने आप को बदल लूं, तो शायद दुनिया में किसी व्यवस्था की आवश्यकता ना पड़े। मैं अव्यवस्थित हूं, इसीलिए मुझे आवश्यकता पड़ रही है। क्या ये सत्य नहीं? 800 रुपए उनको पेमेंट की और अपनी गाड़ी लेकर आगे किससे मिलने गए थे? जो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है उसके समर्थन के लिए गए थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हमने भ्रष्टाचार का समर्थन किया या भ्रष्टाचार मिटाने का समर्थन किया? हिंदुस्तान में 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं, क्या एक दिन भी सरकार चल पाएगी? बोलिए, चल पाएगी सरकार? हर धर्मवाला अपने भगवान के जन्मदिन पर, अपने भगवान के निर्वाण पर अगर छुट्टी मांगे
तो आप क्या सोच रहे हो कि हिंदुस्तान की सरकार में काम कितने दिन रह पाएगा, और जब काम ही नहीं होगा तो क्या सरकार तरक्की कर पाएगी? हर आदमी अपनी अपनी दुकान खोले शेर को संबोधन दे रहे हैं, वहां जात पात का विषय नहीं है। वहां अगर ध्यान से देखें तो महावीर वो जिन्होंने समता को जन्म दिया, कहते हैं संता की चरम सीमा तीर्थंकर में पाई जाती है। मात्र एक जाति विशेष के कल्याण के लिए वहां कोई विषय नहीं होता, मानव मात्र के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होती है। इवन चाहे वो एनिमल क्यों ना हो, चाहे नरक का जीव क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग का क्यों ना हो, वहां भेदभाव नहीं है। जो आदमी जिस लायक है उसको वो पद मिलना चाहिए। ऐसी महामंथन किया कि हम लोग भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है हम उसको त्यागने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब समय हो चला छोटे से ब्रेक का, जल लौटते हैं। शिखर जी पारसनाथ परिहंत आवास, श्री संबित शिखर जी में अधिकतम आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। सिर्फ 10,000-15,000 या 25,000 जब चाहे आवे, पहले बुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक बार निवेश करें और अनिल कुमार, अजीत कुमार, शेरवानी, साफा, सूट, कुर्ता, साड़ी, घाघरा और भी बहुत कुछ किराए एवं बिक्री पर। अनिल कुमार, अजीत कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन मुंबई महानगर स्थित भयंदरपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारविंदुओं से लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। यह कथा 6 दिसंबर से शुरू है जो 13 दिसंबर तक चलेगी। कुंद, इंदु, चंद्रमा के शंख और कपूर, ऐसा कर्पूर गौर शिव से गोरा कोई नहीं। और कहते हैं कि गले में जो जहर है ना, उसकी श्यामता ऐसे लगती है कोई डिठोना लगा दिया, इनको नजर लग नहीं सकती है। ऐसे बड़ा आनंद हो रहा। अब नाई और ब्राह्मण आ गए शंकर जी के पास। नाई ब्राह्मण अपना अपना नेग मांगने लागे। नाई आए, ब्राह्मण आए, दूल्हे राजा हमारा नेग दो। शंकर जी बोले आपका नेग क्या होता सो बताओ। बोले जो चीज दूल्हे को सबसे प्रिय होती है वो हमको देते हैं। शंकर जी बोले अभी रुक, किसी को काला नाग किसी को बिच्छू देने लागे, और जो देने लागे तो सब भागे। बोले दूल्हा तो सुंदर हो गया लेकिन स्वभाव तो। अब शंकर जी मंडप में आए हैं, बड़ा दिव्य मंडप बनाया, सिंहासन से साफ सुहा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। श्री राम जय राम जय जय राम, हर दिन जाहि बिरंची बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, आज बैठे शिव विपरन सिर नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। दिव्य सिंहासन देखो, ध्यान देने की चीज है। दो शब्द हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, दिव्य और भव्य। हमको मंदिर भव्य बनाना है, विराट बनाना है, लेकिन भगवान को दिव्य प्रसन्न है। क्यों? भगवान दिव्यता से प्रसन्न होते, पसंद है भगवान को दिव्यता। दिव्य में देवत्व है और भव्य में अभिमान है। हम भव्य तो बनाते हैं, सोने का सिंहासन बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन भगवान को दिव्य चीज दिव्य होनी चाहिए। बड़ा दिव्य सिंहासन, उसमें ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने बनाया है। शंकर जी ब्राह्मणों को नमस्कार करके हृदय में अपने भगवान रघुनाथ जी का ध्यान करके बैठे हैं। पार्वती जी का सखियों ने श्रृंगार सजाया,
छवि खानी मातु भवानी, कौन वर्णन कर सकता है? और बेटे को, पुत्र को माँ के श्रृंगार के वर्णन का अधिकार नहीं। तुलसीदास जी बहुत मर्यादा से छवि खानी मातु भवानी कह करके आगे वर्णन नहीं कर, सब चीज का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, लेकिन सीता जी के श्रृंगार का और पार्वती जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। मर्यादा से कुछ बातें कह दी और अब आई है। देवताओं ने दूर से देखा पार्वती जी को। तुलसीदास जी कहते हैं, जगदम्बिका अजी जानी भव भामा, जगदम्बिका जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणाम। दूर से देवताओं ने देखा पार्वती जी पधार रही है, मन ही मन सब देवताओं ने प्रणाम किया है। और पार्वती जी बड़ी मर्यादा से मंडप में आती है, लज्जा के मारे पलकें झुकी, पति के चरणों के दर्शन करना चाहती है, लेकिन इतने लोग बैठे नजर उठाए कैसे? शरीर में संकोच है, मन में प्रेम है। देखो भाई, आजकल की फैशन कुछ कहती है कि शर्म मत करो। पढ़ी लिखी बहन बेटियां कहती है, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, यहां तक कहते हैं लोग। लेकिन लज्जा इतनी बुरी चीज नहीं है। यदि बुरी चीज होती तो मार्कंडेय ऋषि, उनके बारे में क्या कहना साहब। दुर्गा सप्तशती में पांचवें अध्याय में जब देवी की स्तुति देवता करते हैं, तब वो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा रूप बताया, केवल एक एक बार नहीं, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। कोलकाता से सटे हावड़ा स्थित बंगेश्वर महादेव मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में वाणी भूषण पंडित शंभु चरण जी लाटा के मुखार विंदुओं से भक्त भगवान श्री के कथा का अमृतपान करेंगे। यह कार्यक्रम शनिवार 16 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर को संपन्न होगा। महानगर जैन आइडियल में चयनित प्रतिभागियों का सेमीफाइनल गत सप्ताह में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 1 नंबर वैशाख लेन श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। बाकी तो पब्लिक देगी। Oh,
खुल के गाया, मजा लेके गाया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल धार्मिक बुलेटिन में इतना ही, और भी धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विश्व की अद्वितीय दिगंबर जैन धर्म की धरोहर जमीन से करीब 700 मीटर पहाड़ी पर 57 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा का अलौकिक भव्य महामस्तकाभिषेक 17 से 25 फरवरी 2018 में होने जा रहा है। यह समारोह हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस बार महामस्तकाभिषेक का यह 86वां समारोह है। 21वीं शताब्दी का द्वितीय महामस्तकाभिषेक के सभी समारोह का सीधा प्रसारण आज से ही सिर्फ और सिर्फ आपके अपने टीवी चैनल भरत बाहुबली पर। इतना ही नहीं, आपका चैनल इस बार भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक का हर दिन हर पल 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 के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता रहेगा। देखना ना भूलें रोजाना अपना पसंदीदा टीवी चैनल भरत बाहुबली। महामस्तकाभिषेक के लिए लगातार किए जा रहे कलश आरक्षित। 5100 रुपए के लिए मंगल कलश, 11000 रुपए के शुभ मंगल कलश और 35000 रुपए के कांस कलश, और इसके साथ समिति की तरफ से दी जा रही आवासीय सुविधा। अगर आपने अभी तक कलश आरक्षित नहीं कराया है तो जल्द ही कराएं। कुछ सीमित कलश इस प्रकार हैं: नवरत्न कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000 रुपए, स्वर्ण कलश 2,25,000 रुपए, दिव्य कलश 1,11,111 रुपए, रत्न कलश 75,000 रुपए, ताम्र कलश 55,000 रुपए। यही कुछ कलश बचे हैं।